हेलो एंड वेलकम गाइस, गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रेंडी पावर स्पिन इवेंट जो कि आपको विजय पब्जॉन में देखने को मिल जाता है। एंड इसमें से मैं आपको बताने वाली क्या कुछ आपको फ्री में मिल सकते हैं, सच जो लकी कार्ड इवेंट देखने को मिलता है उसमें से कैसे आप जो निकाल सकते हो जो लकी कार्ड हमारा मिथिक वाला है। उसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हमारा जो एडवेट टीडीएम मोड न्यू आने वाला है उसके यहाँ पर जो कन्फर्म रिजल्ट क्या है एंड अब वो ऑफिशियली कन्फर्म भी हो चुकी है। तो गाइस मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को आप फुल वॉच जरूर से वॉच करना, एनी पॉसिबल जो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना, जैसे रीच बड़े वीडियो का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे जो ट्रेंडी पावर स्पिन पे, एंड ये जो स्पिन है यहाँ पे आप देख सकते हो चलने वाली हमारी 4 ऑफ फेब से लेकर 14 ऑफ मार्च तक। इसके रिवार्ड्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको 4 मिथिक आउटफिट एंड 4 जो है मिथिक हेडगेयर देखने को मिल जाते हैं। टोटल 8 मिथिक आइटम्स इधर देखने को आपको मिल जाते हैं। तो देख सकते हो प्रोजेक्ट टाइटल सेट, राइजिंग स्टार सेट, ठीक है। तो देख सकते हो ये सब आपको जो देखने को मिल जाएंगे आउटफिट, एंड यहाँ पे आपको AKM का स्किन पेन एंड और भी आपको जो चीज़ें देखने को मिल जाती है इधर। एंड मोस्ट प्रोबेबली इनके साथ जो आपको इमोट्स भी देखने को मिलेंगे जो 4 मिथिक इमोट्स हैं, बट ये हमको अभी देखने को नहीं मिला जो आउटफिट ऑप्टेन करेगा मैं भी जब भी जो है इमोट्स देखने को मिले। इसके बाद अगर बात करें कैसे आपको ये रिवार्ड्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप अच्छी खासी यूज लगाते हो एंड यहाँ पे 100 टाइम जो है स्पिन कर लेते हो तो आपको कोई भी इनमें से एक जो है लेजेंडरी आइटम निकल जाएगा, ऑर्नामेंट, AKM, बैकपैक, हेलमेट, क्रोबार या फिर स्मोक ग्रेनेड एंड पेन या फिर ये 3 मोटरसाइकिल वाली जो स्किन आपको मिल जाएगी। तो ये आपको कोई लेजेंडरी ग्रेड में से एक आइटम निकल जाएगा अगर आप 100 टाइम जो स्पिन करते हो। उसी के बाद यहाँ पे 1K टाइम जो अगर आप स्पिन करते हो, जो कि प्रोबेबली पॉसिबल होता नहीं है किसी के लिए भी, तो यहाँ पे आपको कोई भी जो है 8 मिथिक से एक जो है मिथिक आइटम निकल जाएगा। तो एक गारंटेड जो क्रेट आपको देखने को मिल जाती है जिसमें से आप जो लेजेंडरी या जो मिथिक आइटम निकाल सकते हो, बट काफ़ी जो कॉस्टली होता है ये चीज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 टाइम जो है आप 10 यूसेज कर सकते हो, यानी 1 टाइम ही आपको मिलेगी। उसके बाद 60 यूसी लगानी पड़ेगी वंस करने के लिए, उसके बाद 6-10 टाइम्स करना तो यहाँ पर 600 यूसी आपकी लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिडीम सेक्शन की बात करें तो रिडीम सेक्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं सब जो रिवार्ड्स हैं अगर आप यहाँ पर अच्छी खासी यूसी लगाते हैं, कॉइन आपको मिल जाते हैं ये वाला। तो यहाँ पर 600 कॉइन्स है यहाँ पर जो मिथिक आउटफिट, उसके बाद यहाँ पे हेड गियर यहाँ पर रिडीम कर सकते हो 300 जो कॉइन्स है, उसके बाद नीचे भी आपको जो रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। 10 यूसे की स्पिन कर दो उसमें अगर आपको कुछ आइटम नहीं मिलता, कॉइन मिलते हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो क्लासिक रैप या फिर सिल्वर या फिर जो भी अदर रिवार्ड्स को रिडीम करने में। तो क्या यहाँ पे अगर आपको चाहिए मिथिक आउटफिट तो क्या यहाँ पे आपको जाना होगा, ये जो ऊपर आपको देखने को मिल जाता है लकी कार्ड सा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना होगा जो टाइमर चल रहा है ऊपर राइट साइड में। तो यहाँ पे आपको जो एक इवेंट खुल जाएगा जो कि हमारा लकी कार्ड। तो इस लकी कार्ड में आपको मैं रिवार्ड्स दिखा रहा हूँ जो कि कार्ड होते हैं, ठीक है। रिवार्ड्स में देख सकते हो एक पहला आपको मिथिक वाला कार्ड देखने को मिल जाएगा, उसके बाद लेजेंडरी वाला कार्ड देखने को मिल जाएगा। एंड इन कार्ड से सिंपली क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो जो आइटम्स है ना वो निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिथिक या लेजेंडरी प्राइस पूल वाला कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस वाले मिथिक वाले कार्ड मिल जाएंगे, उसके बाद लेजेंडरी प्रोग्रेस वाले मिथिक कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे और जाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ऑर्नामेंट वाले कार्ड, उसके बाद फ्री वाले कार्ड, बट इसके लिए आपको पहले यूसी लगानी होगी, उसके बाद एक्टिवेट देखने को मिलेगा ये। एंड यहाँ पे देख सकते हो 10% ऑफ, 50% ऑफ अगले यहाँ पे ड्रॉस पे ये वाले कार्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज भी आप देख सकते हो निकलने के इनके। उसके बाद यहाँ पे रिफंड यूसी वाला भी आपको देखने को मिल जाता है। नीचे भी आपको जो कुछ BP के यहाँ पे AGK एंड सिल्वर के भी कार्ड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं आपको जो एक यूज़ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कार्ड लेने के लिए यहाँ पे आपको 12 आवर्स का वेट करना होगा, या फिर यहाँ पे स्पीड बूस्ट करके यहाँ पे जो सिल्वर यूज़ कर सकते हो। टोटल 120 सिल्वर्स आपको जो यूज़ होंगी एक कार्ड को लेने के लिए। एंड यहाँ पे जो बैग देखने को मिल रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे जो आपको कार्ड यूज़ करना सबसे पहले, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसको यहाँ पे पिन का ऑप्शन आएगा, इस पर सिंपली करके यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है। ये आपको जो देख सकते हो पहला जो कार्ड है ये आपका जो है एक्टिवेट होगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ पे यूसी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बट यूसी से बढ़िया तो यहाँ पे आप सिल्वर यूज़ कर सकते हो अगर आप पे काफ़ी ज़्यादा सिल्वर है ना। अगर आपका मिथिक वाला कार्ड निकल जाता है तो यहाँ पे गारंटेड है कि यहाँ पे आपको एक मिथिक मिल जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं मेन स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं जो मेरा कार्ड है एक्टिवेट 10/10 दिखा रहा है। तो 10 लिमिट होने के बाद दोबारा आपकी जो रिफ्रेश हो जाती है जैसे आप जो ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेट होगा जो मेरा सिल्वर ड्रॉ वाला कार्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने पिन कर रखा है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यूसी यूज़ करनी होगी, 10 यूसी जो है यूज़ करने वाले हैं। तो देख सकते हो हमारा जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो गया एंड यहाँ पर हमको रिवार्ड मिला, ये बूस्ट कॉइन मिला है, ठीक है। इसका भी मैं यूज़ आपको बाद में दिखाऊंगा। नीचे आप देखते हो तो ड्रॉ वन के लिए हमको जो है 200 सिल्वर लग रहा है, तो ये 200 सिल्वर वाला कार्ड, तो यहाँ पर मेरी 200 सिल्वर लग रही है। यहाँ पर स्पिन करके देखें तो क्या मिलता है, तो अगेन हमको जो है बूस्ट कॉइन ही मिला। अब बूस्ट कॉइन का यूज़ यहाँ पर लकी कार्ड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपके 6 कॉइन जो लग जाएंगे सिर्फ 2 आवर्स को जो यहाँ पे हटाने में,
तो यहाँ पे मेरा लक देख सकते हो 2/100 एंड 2/1000 हो गया। तो अगर आपका लक नहीं रहता तो आप गारंटेड ट्रेड से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बूस्ट स्पीड करने के लिए मेरे 6 कॉइंस यूज हो गए एंड 2 आवर्स का जो टाइम है वो रिड्यूस कर दिया गया। तो अगर आपको अच्छी खासी सिल्वर तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आपको मिथिक निकलता तो कोई सा भी मिथिक आइटम आपको मिल जाएगा। उस कार्ड से सिंपली पहले आपको 10 UC लगानी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे जो है 60 UC का ड्रॉ करना होगा जिससे आपको मिल जाएगा रिवार्ड जो भी है। तो जब भी हम बात करें हमारे यहाँ पे जो है PGM टॉप 12 के यहाँ पे जो सेंटोरी 8-bit TDM मोड के बारे में, तो वो कब आने वाला है? तो जो ऑफिशियल रिलीज डेट है वो आ चुकी है, जो कि यहाँ पे ऑफिशियली PUBG मोबाइल के यहाँ पे जो है तरफ से है, जो कि हमारे यहाँ पे मिडिल ईस्ट का इंस्टाग्राम पेज है। तो जो रिलीज डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि हमारी 10th February। तो 10th February को आपको जो सेंटोरिनी जो मैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो 8-bit TDM मैप होने वाला है। एंड ये परमानेंटली रहने वाला है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही अपडेट के लिए आया, ऑब्वियसली परमानेंट रहेगा जैसे हमारे अदर TDM मैप्स हैं। तो ये आपको 10th February को देखने को मिल जाएगा। इसमें 8v8 जो है यहाँ पे आप खेल सकते हो। एंड यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये कि हम जो है 8 प्लेयर्स को इन्वाइट कर सकते हैं लॉबी में, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ पे 8v8 है तो 8 प्लेयर्स तो इन्वाइट कर ही सके होंगे यहाँ पे जो हमारे लॉबी में। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आएगा, आए तो गाइस लाइक करके ना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना। मैं तो आपको वीडियो में तो टेक केयर।